चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने बताया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के कुछ तरीके, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो बहुत कुछ अचीव कर लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने चाणक्य नीति के चार सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसे अगर आप बेटर तरीके से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। पॉइंट नंबर वन दोस्तों, चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा है कि मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक शेर की तरह व्यवहार करना चाहिए। जिस तरीके से एक शेर अपने शिकार को पूरे फोकस के साथ देखता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, एग्जैक्टली वैसे ही हमें भी अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। पॉइंट नंबर टू दोस्तों, चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को एकदम सरल स्वभाव का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जंगल में सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है, उसी प्रकार सरल स्वभाव के मनुष्य को चालाक और चतुर लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर थ्री दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि जहर में से भी हो सके तो अमृत निकाल लो, यानी कि अच्छे ज्ञान तथा अच्छी वस्तु हमें कहीं से भी मिल रही हो तो हमें उसे ले लेना चाहिए, यानी अगर हमसे छोटा व्यक्ति भी हमें सही ज्ञान दे रहा है ना तो हमें उसे अपना लेना चाहिए। डज नॉट मैटर कि आपको ज्ञान कौन दे रहा है, वो आपसे छोटा है या बड़ा, जो सही ज्ञान दे रहा है उसे एक्सेप्ट करो और जो गलत ज्ञान दे रहा है उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से अनसुना करो। पॉइंट नंबर फोर दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि जो भी पर्सन रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ काम करके कुछ भी ज्ञान अचीव करता है, उस व्यक्ति को उस काम का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि क्या चीज उसके लिए सही है और क्या चीज उसके लिए गलत है, यानी आप जो भी काम कर रहे हो उसे अपने पूरे दिल और दिमाग लगा के सीखो।